राजधानी देहरादून में मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक सेवा आयोग से चयनित 72 असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। बता दें कि समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी विषय में चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर को यह नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। वही नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चयनित अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। मैं आप सभी को सबसे पहले तो आज जिनको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहे हैं, इनको सफलता मिली है, उन सभी को अपनी ओर से आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं, सबको बधाई देता हूं। और आज आप सब यहां मुख्य सेवक सदन में आए हैं। बहुत सारे लोग आज इसमें से पहली बार यहां पहुंचे होंगे, तो जो पहली बार आए हैं उन सबका भी अपनी ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज का ये दिन आप सबके जीवन में एक नया अध्याय लेकर आया है। आज से आप शिक्षा के माध्यम से भविष्य निर्माता के रूप में एक नई जीवन यात्रा की आप शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके बारे में अभी आदरणीय नरेश जी ने बहुत शानदार तरीके से आप सबके बीच में बात रखी। और मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ जो 72 असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं बल्कि 72 भविष्य निर्माता हमारे सामने बैठे हुए हैं।